वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। मिलाओ हाथ। दोस्तों साथियों, मैं आपका दोस्त शफीक अंसारी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। रफ़ी साहब की यादों से सजे एक याद रफ़ी के बाद इस कार्यक्रम में अब एक ऐसे फनकार, एक ऐसे कलाकार के हम मुलाकात करेंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी रस्मन मैं उनका तारुफ आपसे करा रहा हूँ। फिल्म आसमान से ऊंचा सरफरोश, याद कीजिए खुदा गवाह हमें हबीबुल्ला का किरदार। और 1980 के दशक से फिल्मों में, कई सौ फिल्मों में काम करने वाले ये बेहतरीन से कलाकार ठीक मेरे बाजू बैठे हैं, जनाब अली खान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया शफी भाई। मैं अली खान, फिल्म एक्टर, मुंबई से। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, गया से हूँ, और 1980 में मैं मुंबई आया था, 1980 में, 5 सितंबर 1980। बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत उतार चढ़ाव फिल्म इंडस्ट्री का देखा। मुंबई हीरो बनने आया था, कोई गॉड फादर नहीं था, विलेन बन गया। लेकिन इसमें भी खुश हूँ क्योंकि कलाकार जो है वो एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा, चाहे वो कैरेक्टर रोल हो या विलेन हो या हीरो हो, हम सब लोग एक ही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अगर दाल में नमक ना हो तो दाल मज़ेदार नहीं होती, तो वैसे इंडस्ट्री में अगर विलेन ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। अली खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे रफ़ी साहब के बारे में ये सवाल करूंगा कि आपकी मुलाकात, या आपने कभी रफ़ी साहब को देखा, या उनकी आप मुलाकात आपसे हो पाई? नहीं, हमसे मुलाकात तो नहीं हुई। मेरा बैड लक कही है कि जब मैं 1980 में मुंबई आया था, उसी दौरान उनका इंतकाल हुआ था। और मैंने बांद्रा में जो मजमा देखा था, जो भीड़ थी उनके जनाजे में, वो मुझे याद है। और उसके बाद रफ़ी साहब का तो खैर मैं बहुत दीवाना था सदियों से, और पूरी दुनिया में लोग उनके चाहने वाले हैं। उनके उन्होंने जो इंडस्ट्री में गाना गाया वो एक मिसाल है। और वो एक्चुअली एक बहुत ही नेक इंसान थे, पांचों वक्त नमाजी थे। आज तक उन्होंने किसी से अपनी फीस नहीं मांगी। लोग जो मुट्ठी बंद करके या लिफाफे में देते थे वो कबूल करते थे वो। और बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत सीधे इंसान थे, और बेमिसाल गायक थे वो। और मन तड़पत जो भजन उन्होंने गाई थी, नौशाद साहब का म्यूजिक था, आपका गीत था, ये जो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक भजन को गाने वाले रफ़ी साहब और म्यूजिक दिया नौशाद साहब ने, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसकी जो बेसिक चीज़ है वो उर्दू है, उर्दू जबान, तौर तरीक़ा। और मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा मैसेज आता है भाईचारे का फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए, क्योंकि हम सब कलाकार जो हैं जब पैकअप होता है या ब्रेक होता है तो एक जगह खाना खाते हैं, कभी कोई उसके खाने में से उठा लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, इंडस्ट्री में कोई भी भेदभाव नहीं होता। और रफ़ी साहब के लिए जितनी तारीफ़ की जाए, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के लिए गाना गाया जिनकी सलाहियत नहीं थी कि रफ़ी साहब तक पहुँचे। और जब लोगों ने बताया कि भाई रफ़ी साहब ये बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके और ये चाहते हैं कि एक गाना भी आप इनके लिए गाएं, तो वो बेझिझक कहते थे मियाँ आप बताइए कब रिकॉर्डिंग करनी है। तो ऐसे रफ़ी साहब हमारे थे। एक बात मैं अली खान साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हालांकि ये भारत रत्न जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये पहले बड़े बड़े नेताओं को दिया जाता था, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, राजीव गांधी, इंदिरा जी, उसके बाद ये फिल्मी स्टारों को, फिल्मी कलाकारों को देना शुरू किया गया। और रफ़ी साहब को गुजरे हुए 40 साल हो गए, 40 साल में भी सुबह से शाम तक किसी न किसी कोने पर रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड करिए रफ़ी साहब की आवाज़ हम और आप सभी सुनते हैं। तो अभी तक रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुख है इसका हमें भी और पूरे इंडस्ट्री को इसका दुख है कि ज़रूर मिलना चाहिए था, ऐसी महान शख्सियत को मिलना ही चाहिए था। हमने बल्कि 4-5 साल से हम लोग उनकी बरसी पे खबर पे जाते हैं और फूल पेश करते हैं, और काफ़ी मीडिया भी आती है, और हम सब ने मीडिया से ये बात भी किया, भारत सरकार से इसका डिमांड भी किया हमने। और शाहिद भाई जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शाहिद रफ़ी जो हैं उनके साथ, हाँ,
तो वो अक्सर मिलते हैं और वही मिजाज है वाली साहब वाला उनका, और वही अंदाज, वही बातचीत का तौर तरीका, और माशाल्लाह उनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इसका इसकी इसकी डिमांड हम सब ने की है, और अफसोस है कि अगर उन्हें भारत रत्न नहीं मिला तो कम अज़ कम अब तो मिलना चाहिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें रफ़ी साहब के बारे में इतनी बातें बताई, इसके लिए इस प्रोग्राम के सभी देखने सुनने वालों को तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रफ़ी साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद आता है कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा जमाना ढूंढेगा। तो रफ़ी साहब वैसी आवाज़, उतना उतार चढ़ाव, मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने उनकी कॉपी की। मैं शबीर भाई की भी बहुत कदर करता हूँ, अनवर है, मोहम्मद अजीज साहब जिन्होंने, सोनू निगम जी हैं, मोहम्मद अजीज साहब ने तो बहुत गाना उनके लिए गाया भी है, और मोहम्मद रफ़ी को बहुत याद आया। ओ क्या बात है, माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ, बहुत याद आया। तो ऐसे फनकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं, और वैसे थे हमारे रफ़ी साहब। शुक्रिया। तो ये थे अली खान साहब, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें मौका दिया, इसलिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।